नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डेली डायरी न्यूज में। धड़क ट्रेलर के लॉन्च पर श्रीदेवी का जिक्र जरूर होगा, ये बात तो जानवी खुशी और बोनी कपूर के दिमाग में होगी ही। शायद उन्होंने ये मन में ठाना भी होगा कि वे इससे जुड़े सवालों पर खुद को संभाल लेंगे, लेकिन ये पल पूरे परिवार के लिए इतना इमोशनल था कि जैसे ही श्रीदेवी के नाम का जिक्र हुआ तो पहले जानवी इमोशनल हुई, लेकिन करण जौहर ने उन्हें संभाल लिया था। जानवी के बाद खुशी के लिए खुद को संभालना थोड़ा मुश्किल हो गया और उनके माँ के सवाल पर आंसू छलक पड़े। खुशी ने खुद को रोकने की कोशिश तो की, लेकिन माँ को खोने से बड़ा गम भला क्या हो सकता है। तभी जानवी ने खुशी को संभाला। जानवी को बहन खुशी को यो संभालते देखना एक सरप्राइज ही की तरह था, क्योंकि श्रीदेवी ने एक दफा जानवी को लेकर कहा था कि बड़ी बहन होने के बावजूद जानवी खुशी से ज्यादा सेंसिटिव है। धड़क के ट्रेलर के अलावा इस ट्रेलर लॉन्च पर पूरे कपूर खानदान का जानवी के सपोर्ट के लिए पहुंचना भी बड़ा खास पल था। लॉन्च के दौरान चाचा अनिल कपूर के साथ जानवी कपूर नजर आई। जानवी और ईशान खट्टर स्टार फिल्म धड़क 20 जुलाई को रिलीज होने जा रही है।